ये बहुत दुखद स्टैटिस्टिक है कि दिल्ली में एक मर्डर होता है 2 दिन में। एक और दुखद स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक दिन में 6 रेप की कंप्लेंट्स मिल रही हैं दिल्ली में। तो जैसा मैंने 29 मई को आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 उदाहरण दिए थे, जनवरी से लेकर मई तक ऐसे मामलों के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, जो बहुत चर्चा में रहे, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी। पर उस टाइम भी मैंने एलजी से पूछा था कि डाटा सार्वजनिक करें कि वो आज तक कितने थानों में विजिट करके आई हैं, पर एलजी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर 30 मई को, कल 29 मई को साक्षी मर्डर केस पे पीसी की थी, और 30 मई को कल हमारे सामने मजनू का टीला एक और केस आया था जहां पर एक युवती की लहूलुहान लाश मिली थी। और मैंने एलजी से फिर पूछा था कि बताएं कि 1 जनवरी को जो अंजलि केस हुआ, तब से लेकर अब तक कितनी पीसीआर वैन बढ़ाई, कौन उस पीसीआर वैन की मॉनिटरिंग कर रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन को लेकर वो अपना काम ना कर रही हो, कौन चेक कर रहा है कि कितने किलोमीटर पीसीआर वैन चली एक दिन में, इसका कोई डाटा है कि नहीं, कोई जवाब नहीं आया। आज फिर 2 केस सामने आए, लक्ष्मी नगर और न्यू अशोक नगर से, और मैं फिर से एलजी से पूछ रही हूं कि क्या स्टेप लिए हैं उन्होंने दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर, या फिर एलजी का काम, जो एक सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, उनका काम मात्र भर इतना है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम में लगातार रोड़ा डालना है। आपको याद होगा 2018 में भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को खुद धरने पर बैठना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि सीसीटीवी दिल्ली में लगा पाए, जिस सीसीटीवी के कारण आज अक्यूज तुरंत आइडेंटिफाई हो जाते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। पर एलजी क्या कर रहे हैं? एलजी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और मेरी केंद्र सरकार से भी गुजारिश है, जो अध्यादेश लाने में प्रसिद्ध है, कि एक अध्यादेश लाकर दिल्ली की कानून व्यवस्था भी अरविंद केजरीवाल जी को सौंप